अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक है जो रह गया है। एक दो टॉपिक और भी रह गए हैं आई थिंक। तो ये हमारे पास जोलॉजी का टॉपिक है जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है। तो ये देख लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। कुछ 5-6 डिसऑर्डर्स हैं जिनकी बेसिक्स जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो कार्डियोवास्कुलर का मतलब ये है कि कार्डियो का मतलब हार्ट और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो परेशानियाँ, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है हमारे पास उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये बेसिकली आपकी वेसल की वॉल से रिलेटेड है, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये वेसल की वॉल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये आर्टेरियल वॉल का मसला है। आर्टरी की हमारे पास 3 वॉल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर लेयर, फिर ट्यूनिका मीडिया और फिर ट्यूनिका इंटरना। तो ये जो इंटरना वाली होती है इसका दूसरा नाम होता है एंटीमा। तो इस एंटीमा से रिलेटेड जो है ये एक मसला होता है। बेसिकली इस डिजीज़ में ये होता है कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है और ये लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होने लगती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये इम्पेयर करती है, उसको ये रोकती है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नॉर्मल आर्टरी इन्होंने दिखाई हुई है, ये इसकी 3 वॉल्स हैं और ये दरमियान में जो इसका एरिया है ये वो एरिया है कि जहाँ से ब्लड फ्लो होगा। और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो जो ब्लड फ्लो वाला एरिया है वो सिर्फ इतना सा रह गया है और बाकी जो यहाँ से वॉल है ये इस तरफ बढ़ने लगी है। तो ये वॉल का इशू है, ब्लड वेसल की वॉल का इशू है। जो वेसल वॉल है उसके अंदर एक मटेरियल, डिफरेंट तरह का मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक प्लाक बन गया है। प्लाक जो है एक रेस्ड पैच होता है, जिस तरह पहाड़ होता है आपका, बिल्कुल इसी तरह प्लाक एक रेस्ड पैच है, इसको हम एथेरोमेटस प्लाक कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है स्ट्रेट, ठीक है, ये इसकी एक्सटर्नल लेयर है, यहाँ बनाता है, ये इसकी एक्सटर्नल लेयर है, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद ये इसकी दरमियानी वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया और ये इसकी जो है वो इंटरना है, ठीक है, ये सीधी होगी बिल्कुल इस तरह से। अब होता ये है कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड्स वगैरह होते हैं वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इस लेयर के नीचे, ये वाली जो लेयर है इस लेयर के नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये डिपॉजिट हो रहा है, ये आपका लिपिड वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ठीक है, ये डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, अब जब ये मुसलसल डिपॉजिट होता जाएगा तो इस तरफ ये वाली लेयर जो है ये मसल की बनी हुई है, इसको पुश करना मुश्किल है, तो ये इसको पुश नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाली लेयर जो है ये सिंपल, ये थिन लेयर है तो ये इसको पुश करेगा। तो जब ये मटेरियल मुसलसल डिपॉजिट होता जाएगा तो ये लेयर जो है ये इस तरफ पुश होती जाएगी, ठीक है, ये लेयर मैं बना दूँ, ये लेयर जो थी ये इस तरह से अब पुश होके आगे आ गई है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जो ब्लड फ्लो है उसका जितना डायमीटर पहले था, जितना ब्लड फ्लो पहले हो रहा था, अब वो ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा, तो ब्लड फ्लो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये पैच जो है, जैसे जैसे ये प्लाक जो है ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्लड फ्लो नैरो होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये इनर लेयर जो है इसकी वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इम्पेयर होने लगता है। क्यों होता है भाई ये, तो फैटी लीजन्स होते हैं जिनको हम एथेरोमेटस प्लाक कहते हैं। जो बड़ा सा पैच आपको मिल रहा है ये फैट्स का बना हुआ होता है, इसके अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन इनका मिक्सचर। तो ये डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, कुछ लो डेंसिटी होते हैं, कुछ हाई डेंसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी अच्छे वाले होते हैं। आपने सुना होगा शायद गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो HDL होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो LDL होता है या VLDL होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी में ज़्यादा होगा तो उनके अंदर ये होता है कि ये डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा डिकेइंग मसल सेल्स, मसल के जो सेल्स हैं पीछे जो मसल है वो भी यहाँ जमा होने लगते हैं, फाइबरस टिश्यू जमा होने लगता है, ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ जमा हो जाते हैं और समटाइम्स कैल्शियम। तो इन तमाम की वजह से ये बहुत हार्ड सा एक प्लाक बन जाता है जो कि मुसलसल ब्लड को फ्लो, ब्लड के फ्लो को जो है वो रोकता रहता है। तो आर्टरीज जो है बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी आर्टरी का हार्ड हो जाना, स्क्लेरोसिस कहते हैं हार्ड हो जाने को, ठीक है। तो पहले तो प्लाक बना, प्लाक बनने की वजह से फिर आर्टरी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से, तो हमने इसे कहा कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। नाउ व्हाट आर द कॉजेस, किन लोगों के अंदर या किन कंडीशन के अंदर हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है? तो स्मोकर्स के अंदर, स्मोकर्स के अंदर चांसेस है कि ये प्रॉब्लम देखने को मिले। जिन लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है, अभी आगे डिस्कस करते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उन लोगों के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। मेल जेंडर, मेल्स के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मेल में ज़्यादा कॉमन है, कुछ बीमारियां फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, तो मेल के अंदर ये प्रॉब्लम कॉमन है। ओबेसिटी, जितना ज़्यादा ओबीज होगा उतना ज़्यादा फैट उसके अंदर होगा, उतना ज़्यादा LDL वगैरह होगा। फिजिकल इनएक्टिविटी, जितना कम काम करेगा उतना ज़्यादा फैट डिपोजिशन होगी।
हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल, जिनकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं तो उनके अंदर ये एलडीएल वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है। डायबिटीज़, डायबिटीज़ डैमेज करता है आपकी ब्लड वेसल्स को भी, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं। अगर किसी के में किसी में फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके पेरेंट्स को या आपके भाई बहनों को ये बीमारी है तो आपके अंदर भी चांसेस हैं। इसके अलावा एंशियस या एग्रेसिव पर्सनैलिटी, जो लोग गुस्से वाले होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। देखें, स्मोकिंग से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एग्रेसिव पर्सनैलिटी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर डैमेज करता है आपकी वेसल की वॉल को, और जब वो डैमेज होती है तो उनके अंदर मटीरियल जाकर डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रिस्क जो है ये बढ़ता है एज के साथ, खाली इसका नहीं, आगे भी जो आप बीमारियाँ पड़ेंगी उनका भी रिस्क बढ़ता जाता है एज के साथ। इफेक्ट्स क्या है भाई, तो इनिशियली तो ये कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि अगर इतनी जगह पे ब्लड फ्लो हो रहा है और आपने इतनी अगर ब्लॉक कर भी दिया तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी फिर आगे जाकर अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है। तो होगा ये कि इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होगा अनटिल जो आर्टरी है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो जब रुक नहीं जाएगा, तो जहाँ पर भी ब्लड फ्लो रुकेगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो रुक रहा है तो उसकी वजह से खाली पेन भी हो सकता है, जिसको एंजाइना कहते हैं, और ये भी हो सकता है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक यूजुअली नहीं होता है, इसकी वजह से एंजाइना होता है, पेन होता है जो कि रिलीव हो जाता है, ख़ुद से रिलीव हो जाता है, या फिर उसके लिए कुछ मेडिकेशन देते हैं ज़बान के नीचे, उससे ठीक हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये प्रॉब्लम करता जाएगा। इसके बाद आ जाए हाइपरटेंशन के ऊपर। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मल एक एडल्ट हेल्दी एडल्ट के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है यंग के अंदर। जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से बढ़ता है, इससे पूरा चार्ट होता है। तो आपका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, जब उससे आपका प्रेशर बढ़ जाए, किसी का भी प्रेशर अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर से बढ़ जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर है ये सिस्टोलिक है, अगर ये 135 या 140 है, या 140 से ऊपर अगर हो जाए, अब जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 140 से ऊपर अगर हो गया और जो नीचे वाला प्रेशर है वो 90 से ऊपर अगर हो गया, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं कि ये है हमारा, इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है अगर वो बढ़ जाए, मीन आर्टीरियल प्रेशर अपर रेंज से बढ़ जाए, या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना बढ़ जाए, 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है, अब ये मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने का एक पूरा फार्मूला होता है हमारे पास। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके अंदर आप ऐड करते हैं 2 times डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और फिर उसे आप डिवाइड करते हैं 3 से। तो फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो है उसका 120/80 है, राइट, यंग एडल्ट का। तो ये 120 जो है ये सिस्टोलिक है, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 times ऐड करना है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक 80 है, और फिर उसे डिवाइड करना है 3 से। तो 120 प्लस 80 इंटू 2 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 60 और 20 80 होगा, ये बन गया 280। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितना आएगा, 3 × 9 = 27 होता है, तकरीबन 90 के आसपास आएगा। तो दिस इज़ दी मीन आर्टिकुलर प्रेशर। तो मीन आर्टिकुलर प्रेशर अगर किसी का 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा अगर आ जाता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड हाइपरटेंसिव, या फिर हम देखते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 90 से ज़्यादा हो जाए और जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा अगर हो जाए तो दैट इज़ कंसिडर्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कई लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आते, अचानक से फिर ये होता है कि उनको या तो स्ट्रोक होता है जिसे फालिज कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक होता है। मैंने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इतना ज़्यादा तेज़ी से जब ब्लड जो है वो फ्लो करता है वेसल से, तो वेसल की वॉल जो होती है वो डैमेज होती है। जब वेसल की वॉल डैमेज होती है तो उसके अंदर चांसेस बन जाते हैं किसके, प्लाक के जमा होने के, एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के। अगर किसी को बहुत लंबे वक्त तक जो है वो हाइपरटेंशन रहे, हाई ब्लड प्रेशर उसका रहे, तो उसका हार्ट जो है वो, चूँकि हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, जाहिर सी बात है ना, ये आपका हार्ट है, ठीक है, इससे निकलने वाला जो पाइप है वो एओर्टा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी हाई है और हार्ट इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हाई प्रेशर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो हार्ट बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है, तो जिसकी वजह से हार्ट एनलार्ज हो जाता है, हार्ट का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, वो इफेक्टिवली उतनी ताकत नहीं लगा पाता जितनी ताकत रिक्वायर्ड है ब्लड को पम्प करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर वही है जो आपका वेसल की डिजीज़ के लिए था, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आपको भी चांसेस है कि हो सकता है, अगर किसी फैमिली में हाइपरटेंशन है तो आपको भी चांसेस है कि हाइपरटेंशन हो सकती है। सिमिलरली हायर इनटेक ऑफ सॉल्ट्स, जो आपके सोडियम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम जो है
वो वाटर सोडियम जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो वाटर को ड्रॉ करता है, वाटर जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन होता है वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका डायमीटर कम कर दें, जब डायमीटर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओबेसिटी इज़ अनदर थिंग, ये वेसल्स को डैमेज करता है। इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी का फंक्शन होता है रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर, किडनी के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर और ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट होता है। और एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी से एक सब्सटेंस निकलता है रेनिन, ठीक है, वो रेनिन फाइनली जाकर एड्रिनल ग्लैंड से, रेनिन किसी और चीज़ को एक्टिवेट करता है, वो किसी और चीज़ को एक्टिवेट करता है और उससे फिर जो केमिकल निकलता है वो जाकर एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट मेंटेन करता है। तो अगर किडनी के अंदर कोई मसला है या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई मसला है तो इन तमाम रीजंस की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रॉम्बस फॉर्मेशन। अच्छा भाई, तो थ्रॉम्बस जो है बेसिकली ये ब्लड क्लॉट को कहते हैं, थ्रॉम्बस जो है वो क्लॉट को कहते हैं। किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जो है हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन अगर किसी वेसल के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना हुआ है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाए। देखिए होता क्या है, ये हमारे पास वेसल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इसकी आउटर लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद ये इसकी दरमियान वाली लेयर है, मीडिया, और उसके बाद ये इसकी इनर लेयर है, इंटीमा। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर ये होता है कि यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस वक्त यहाँ पर प्लेटलेट्स मौजूद हैं, राइट, ये प्लेटलेट्स जो हैं ये मौजूद हैं ब्लड के अंदर, लेकिन ये कहीं पर भी क्लॉट नहीं हो रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से सवाल पूछते हैं कि भाई अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो नॉर्मली ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं करते। उसका रीज़न है, प्लेटलेट को एक्टिवेट होने के लिए ना ये जो नॉर्मल वो लगी हुई है, सेल की लाइनिंग लगी हुई है, ये जो ये वाली लेयर है जिसका नाम है एंडोथीलियम, ट्यूनिका इंटीमा जो है ये एंडोथीलियल सेल से बनी होती है। तो ये एंडोथीलियल सेल जो है ना ये प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन इस एंडोथीलियल सेल के नीचे एक मटेरियल है, इस एंडोथीलियल सेल के नीचे जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को। तो अभी वो एक्सपोज नहीं है क्योंकि ऊपर जो है वो एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन्होंने कवर किया हुआ है, तो प्लेटलेट्स जो है वो आसानी से गुजर जाते हैं यहाँ से, उनको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इन केस अगर ये एरिया यहाँ से डैमेज हो जाए और ये सेल्स यहाँ से हट जाएँ और जो नीचे वाला मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाए तो प्लेटलेट्स उस पर जाकर चिपक जाते हैं एंड इस तरह से प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग करवाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, हेल्दी लोगों के अंदर, जिनके अंदर ब्लड वेसल हेल्दी है, इंटैक्ट है, तब तक उनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग नहीं करते। अच्छा, आप मान लें कि यहाँ पर ये बन गया एक प्लाक, ठीक है, ये एक प्लाक बन गया। अच्छा, प्लाक बनने के बावजूद जो है ये जो एंडोथीलियम है ये वाली लेयर जो है ये सलामत है क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है। जब प्लाक बना है तो इसने इसे पुश किया है, ये आगे की तरफ आ गई, लेकिन ये भी सलामत है। तो जो प्लेटलेट्स यहाँ से गुजर रहे हैं वो यहाँ पे चिपकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एंडोथीलियम जो है, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो इसे चिपकने नहीं दे रहे। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि प्लाक जो है इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है कि ये रपच्चर हो जाता है यहाँ से। तो इन केस अगर ये वाला साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला साइड है, ये यहाँ से रप्चर हो जाए, प्लाक के प्रेशर की वजह से ये एरिया जो है ये रप्चर हो जाए, तो मैंने बताया कि यहाँ पे नीचे एक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन में बना देते हैं, ये एक मटेरियल है जो कि प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। जब ये मटेरियल एक्सपोज हो जाएगा तो जितनी भी प्लेटलेट्स यहाँ से गुजर रहे थे वो सारे के सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर चिपकना शुरू हो जाएंगे। बहुत, और एक प्लेटलेट जब एक्टिवेट होता है तो दो बाकी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करता है, तो बहुत तेज़ी से। देखिए, प्लाक ने जो है वो हाफ जो ब्लड वेसल थी उसको बंद किया हुआ था, तो इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये एरिया एक्सपोज हुआ वैसे ही प्लेटलेट्स ने जो है वो बहुत तेज़ी से क्लॉट बनाना शुरू कर दिया, और क्लॉट बहुत तेज़ी से ऑक्यूपाई करता है पूरी ब्लड वेसल को। तो क्लॉट जब बनेगा ना तो ये बड़ा डैमेजिंग होता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये ब्लड वेसल को बहुत तेज़ी से ऑक्लूड करता है, बहुत तेज़ी से बंद कर देता है, और जहाँ पर भी ब्लड फ्लो जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा था तो जिस भी ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा था अब उसे वो ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। तो ये थ्रॉम्बस फॉर्मेशन होती है ये नॉर्मल लोगों के अंदर इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन अगर किसी के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है और वो प्लाक कहीं से रप्चर होता है तो जो एंडोथीलियम है वो डैमेज होती है, और एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से जो उसके अंदर का मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाता है और जो प्लेटलेट्स हैं वो उसके ऊपर जमा हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है।
क्लॉट जो है वो प्रोग्रेस करता है, जिसकी वजह से पूरी जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, और नैरो होते होते वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। तो जो भी ऑर्गन है जिसकी तरफ ब्लड सप्लाई जा रही थी वो रिड्यूस होती है पहले, और फिर मुसलसल बंद हो जाती है, मुकम्मल बंद हो जाती है। तो जाहिर है ब्लड के अंदर वो तमाम चीज़ें थी जो उस टिशू को चाहिए थी, ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें चाहिए थी, तमाम चीज़ें नहीं मिल पाती ऑक्सीजन ना होने की वजह से, न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से उस एरिया की डेथ होने लगती है। अगर ये थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी के अंदर बने, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं, देखें हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, लेकिन हार्ट खुद भी लिविंग है तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है। अब हार्ट की जो अंदर वाली लेयर है उसको तो ब्लड मिल जाता है जो चेंबर में मौजूद है वहीं से, उसको तो ब्लड से तमाम चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हार्ट की मोटी लेयर भी है तो उसको सप्लाई करने के लिए कुछ आर्टरीज़ होती है जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। तो ये कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर अगर थ्रोम्बस बन गया तो, या कैरोटिड आर्टरी वो है जो कि आपके हेड को सप्लाई करती है ऊपर की तरफ, आपकी नेक से ऊपर जितना भी एरिया है उसको सप्लाई करने वाली कैरोटिड आर्टरी होती है। तो कैरोटिड आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस बन जाए तो उसकी वजह से जो विक्टिम है उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है और उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये जो थ्रोम्बस है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना एम्बोलस होता है। एम्बोलस क्या होता है भाई? ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये थ्रोम्बस है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है चूँकि ब्लड मुसलसल आके इससे टकरा रहा है तो इसका या तो पीस या पूरा का पूरा ये निकल के फ्रीली ब्लड में मूव करना शुरू कर देता है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है थ्रोम्बस निकल गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये जाकर किसी छोटी ब्लड वेसल को कम्प्लीटली क्या करेगा, कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। पहले तो शायद चलो कुछ एरिया था जिसकी जिससे ब्लड फ्लो हो रहा था, अब किसी दूसरी वेसल को जाकर ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से अगेन वही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो एम्बोलस जो है ये और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है जिसमें प्लाक रप्चर हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है, वॉल से हट जाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल करने लगता है, तो उसे एम्बोलस का नाम देता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मैं बता चुका हूँ, अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी के अंदर। कोरोनरी आर्टरी वो है जो सप्लाई करती है हार्ट के मसल को, तो हम उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे, जिसकी वजह से हार्ट के किसी एक छोटे से एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लंबे वक्त के लिए अगर ये मसला हुआ तो उस एरिया की जो है वो डेथ भी हो सकती है। यानी अगर कुछ सेकंड्स के लिए हुआ तो मसला नहीं है, कुछ एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए हो तो मसला नहीं हो शायद, क्योंकि उस अगर वो खुल जाए एरिया तो दोबारा से ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ड्यूरेशन लंबी हो गई तो उसकी वजह से फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो सडन ब्लॉकेज अगर होती है थ्रोम्बस में, अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, अचानक से ब्लॉकेज हो जाती है, देखिए अगर आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेज हो रही थी, फॉर एग्जांपल पहले इतनी नैरो थी फिर इतनी नैरो थी, वक्त गुजरने के साथ साथ कई सालों से चल रहा है नैरो होता जा रहा है, तो आपका जो हार्ट है वो कुछ ना कुछ कर लेता है इसको बाईपास करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको आदत हो जाती है। लेकिन अगर किसी के अचानक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आके अटक गया इसके अंदर, तो सडन ब्लॉकेज अगर होगी तो उसकी वजह से अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है उसे कहते हैं, इन्फार्क्शन डेथ को कहते हैं, तो इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी अचानक, या तो थ्रोम्बस से या एम्बोलस से, तो ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो हार्ट का जो मसल है उसके अंदर डेथ होने लगेगी। तो इनिशियली जो है जो डैमेज होता है, पहले डैमेज होता है फिर डेथ होती है, तो इनिशियली जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर इस्कीमिया हो रहा है, इस्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो कम हो गया, तो नॉर्मली अगर किसी के अंदर ये प्लाक है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है, तो रेस्ट की कंडीशन के अंदर चूँकि हार्ट की डिमांड कम है तो इतना ब्लड फ्लो काफ़ी होता है। लेकिन यही शख्स के जिसके अंदर ये थ्रोम्बस बना हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, यही शख्स जब एक्सरसाइज करना शुरू करेगा या फॉर एग्जांपल ठंडे पानी से नहाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। जब हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है और जो ब्लड वेसल है वो नैरो है, तो यहाँ से जितना ब्लड जा रहा है वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पेन होता है ये एंजाइना भी हो सकता है, एंजाइना का जो पेन होता है वो थोड़ी देर का होता है, 10 मिनट का है, 20 मिनट तक का है, और वो रेस्ट से ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस शख्स के अंदर रेस्ट की कंडीशन में ब्लड फ्लो इतना काफ़ी होता है। वो जब एक्सरसाइज किया, बहुत ज़्यादा कोई वजन उठाया, काम किया, या फिर ठंडे पानी से नहाया, कोई स्ट्रेस हुआ, तो उस कंडीशन में डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से मसला हुआ, तो जब वो दोबारा से रेस्ट में जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा पेन, तो दिस इज़ कॉल्ड एंजाइना। लेकिन अगर रेस्ट में जाने के बावजूद या ज़बान के नीचे गोली रखने के बावजूद, ज़बान के नीचे गोली रखते हैं तो क्या होता है, वो इस ब्लड वेसल का साइज़ जो है वो बढ़ा देता है, जब साइज़ बढ़ जाता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे भी काम नहीं बन रहा तो इसका मतलब अब उसे एंजाइना नहीं है, अब उसे शायद हार्ट अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल होगा। एंजाइना में जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, जो पेन होता है, जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन जो हार्ट अटैक के अंदर डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि इतना लंबे वक्त तक उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है भाई। सिवियर कंटिन्यूस चेस्ट पेन होता है,
साथ में स्वेटिंग होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो पेन है ये सेंट्रल होता है, चेस्ट पेन होता है सेंटर में, और ये लेफ्ट आर्म की तरफ भी जाता है और लेफ्ट जॉ की तरफ भी जाता है कुछ लोगों के अंदर। दिस इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, ब्लॉकेज हो गई किसी कोरोनरी आर्टरी की, या तो थ्रोम्बस से हुई है या एम्बोलस से हुई है, तो कार्डियक जो मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, उन्हें जो सप्लाई है वो स्टॉप हो गई है। तो जिन हार्ट के मसल्स में जीरो ब्लड फ्लो है वो सस्टेन नहीं कर पाते, और उस एरिया को हम कहते हैं कि इसमें इन्फॉक्शन हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। सो दिस कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अगर डैमेज एरिया छोटा सा होगा, ठीक है, यानी कुछ किसी एक ब्लड वेसल के अंदर मसला हुआ है और छोटे से एरिया के अंदर हुआ है, तो कोई बात नहीं, पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर बड़े एरिया के अंदर हुआ है और बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली उसकी, तो फिर फेटल हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ओके, द लास्ट कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक हम कहते हैं ब्रेन के किसी पार्ट के डैमेज होने को। ठीक है, अब ये किस वजह से हो सकता है, या तो ब्लड सप्लाई के अंदर इंटरप्शन हुई, जैसे कि हमने पहले बात की, कोई ब्लॉकेज हो गई थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलस की वजह से, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिली। अगेन जो ब्रेन है उसके अंदर भी सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको ग्लूकोज भी चाहिए, तो अगर उन्हें सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो वो उनकी डेथ होने लगेगी, तो उनमें डैमेज होगा। ठीक है, तो या तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, या फिर लीकेज हो रही है ब्लड की। अब ब्रेन के अंदर जो ब्लड है वो वेसल के अंदर, हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारा ब्लड वेसल के अंदर होता है। जब तक ब्लड वेसल के अंदर है ना, तो वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ये सेल है, इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और इसमें से वेस्ट लेता है और फिर आगे चला जाता है। फिर यहाँ पे फ्रेश ब्लड आता है, वो इसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, वेस्ट लेता है, वापस चला जाता है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये जो ब्लड वेसल है ये रप्चर हो जाए, ये यहाँ से रप्चर हो गई, तो ये ब्लड यहाँ से लीक करने लगेगा। अब लीक करेगा तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब इस ब्लड में से सारा का सारा काम की चीज़ें निकाल ली हैं इसने और वेस्ट डाल दिया है, लेकिन अभी यहाँ से जा नहीं रहा। तो अब जब ये मुसलसल यहाँ पड़ा रहेगा, तो इसकी वजह से होगा ये कि इन टिश्यूज़ को जो है वो प्रॉपरली मटेरियल नहीं मिलेगा। जब प्रॉपरली और सिमिलरली जब ब्लड किसी एक एरिया के अंदर जमा होता रहेगा, लीक होने की वजह से एक एरिया में जमा होता रहेगा, तो बाकी जितने भी, क्योंकि ब्लड तो आपके पास लिमिटेड है, तो बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उनको ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुँचेगा, उनको जो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपरली नहीं पहुँचेंगे, जिसकी वजह से किसी ना किसी एरिया के अंदर जो है वो डैमेज या डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, किस चीज़ से हम इसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे पता लगता है? तो जो हमारी सेंसेशन है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, यानी हमारा देखना है, आँख से हमारी सेंसेशन जाती है, विजुअल इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, हमें दिखाई देता है, कान से हमें सुनाई देता है, कोई टच करता है तो हमें महसूस होता है, पेन होता है तो हमें महसूस होता है, तो ये हमारी सारी सेंसेशन हैं। तो कोई ना कोई सेंसेशन लॉस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दिमाग के पिछले वाले हिस्से के अंदर कोई मसला होता है, तो शायद किसी को दिखाई देने में मसला होने लगे, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर मसला होता है, या फिर किसी भी एरिया के अंदर मसला होता है, तो जो भी काम वो कंट्रोल कर रहा है उस काम में मसला होगा, तो इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसेशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टच किया जा रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि जो एरिया उस टच को महसूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस एरिया को शायद ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुँच रहा। मूवमेंट कंट्रोल हो सकती है, जो एरिया आपके मसल्स को कंट्रोल करने वाला है उसको अगर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा ब्लड, तो आप अपना हाथ उठा नहीं पाएंगे, आप पैर नहीं उठा पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो भी एरिया रिस्पॉन्सिबल है जिस भी फंक्शन के लिए, उस एरिया पर डिपेंड करता है, अगर उसे ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, उसे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, तो उसका जो फंक्शन है वो लॉस होने लगेगा। अच्छा, हमारे पास जो ब्रेन होता है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये सेरिब्रम है। इसको अगर मैं ऊपर से देखूँ, यहाँ से खड़ा होकर देखूँ, तो मुझे दो पार्ट्स नज़र आएंगे इसके, एक इसका राइट पार्ट होता है और एक इसका लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, राइट और लेफ्ट। तो अगर किसी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी आर्टरी के अंदर मसला हुआ है जो पूरे एक साइड को सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से बॉडी का पूरा एक साइड जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो राइट साइड होता है, आपका जो राइट ब्रेन है, इनमें से जो राइट वाला है वो आपके लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। आपका राइट ब्रेन आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। होता यह है कि राइट ब्रेन से जो फाइबर निकलते हैं, जो जो न्यूरॉन्स आते हैं, वो आगे जाके क्रॉस करते हैं और फिर लेफ्ट साइड को सप्लाई करते हैं, और जो लेफ्ट साइड से फाइबर आते हैं वो नीचे आके क्रॉस करते हैं और राइट साइड को सप्लाई करते हैं। तो अगर किसी का राइट साइड पैरालिसिस हो गया, अच्छा, एक हाफ जो है बॉडी का, एक हाफ अगर वीक हो जाए या उसका पैरालिसिस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हेमिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर किसी का लेफ्ट लेफ्ट हाफ पैरालिसिस हुआ है, तो इसका मतलब, सॉरी, अगर किसी का लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस हुई है, लेफ्ट बॉडी, इसका मतलब उसके ब्रेन के राइट साइड में मसला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रोक की तरफ ले जा सकती हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लड वेसल को डैमेज करती हैं, और ब्लड वेसल को डैमेज करने की वजह से या तो उसमें थ्रोम्बस बनेगा, या थ्रोम्बस जो है वो टूट के एम्बोलस बनेगा और वो जाकर नुकसान पहुँचाएगा।
अच्छा, स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे भाई? आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे रखें, ठीक है, प्रॉपर डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, जो भी चीज़ें हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सकती हैं, सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए, लेस क्वांटिटी में इस्तेमाल करने चाहिए, ऊपर से छड़क के नहीं खाने चाहिए, जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है उन्हें मना किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फैट्स, कोलेस्ट्रॉल हैं, फैट्स हैं, फैटी फूड है, उसको जो है वो कम अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसमें, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसकी वजह से फिर थ्रॉम्बस बनता है, और थ्रॉम्बस बनने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक्सरसाइज शुड बी मेड अ रेगुलर हैबिट। बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्सरसाइज नहीं होती, इवन 30 मिनट की जो वॉक होती है वो काफ़ी होती है, आप सिर्फ 30 मिनट की वॉक अगर डेली करते हैं तो दैट वुड बी इनफ। स्मोकिंग जो है, दिस शुड बी अवॉइडेड। स्मोकिंग से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। टेंशन इज अनदर कॉज, टेंशन जो होती है, एंगजाइटी जो होती है, या फिर एग्रेसिव पर्सनैलिटी जो होती है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो कि डैमेज करता है, ठीक है भाई। एक हमारे पास टर्म है जिसे हेमरेज कहते हैं, हेमरेज कहते हैं लीकेज को, ब्लड की लीकेज को, ब्लड जो है आपका वेसल के अंदर है, अगर ये वेसल से बाहर निकलने लगे डैमेज की वजह से, तो उसे हम हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपको कोई चोट लगी, ब्लड निकलने लगा, या फिर बॉडी के अंदर ही लीक कर रहा है, तो उसे भी हम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। तो एस्केप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, स्मॉल हेमरेज, अच्छा ठीक है। मैसिव एक्यूमुलेशन अगर हो जाए आपका, ये हाथ है आपका, ठीक है, ये हाथ के अंदर ये ब्लड वेसल है, ये लीक करने लगी और ब्लड निकल के यहाँ जमा होने लगा, क्योंकि कोई चोट नहीं लगी थी, तो ब्लड बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, हाथ में ही जमा हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं हीमाटोमा का। तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन अगर हो जाए किसी टिश्यू के अंदर ब्लड की, तो उसे हीमाटोमा का नाम देता है। हेमरेज जो है वो किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर हो सकता है, लेकिन मोस्ट डेंजरस हेमरेज जो है वो कहाँ होगा, वो ब्रेन हेमरेज होगा। ब्रेन के अंदर अगर ब्लड लीक करने लगे, तो मैंने बताया कि ये स्ट्रोक करवा सकता है। सो दिस इज इट, दीज आर ऑल द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स।